सनस्क्रीन को लेकर जितना कंफ्यूजन इंडियन मार्केट में है और लोगों के बीच में है, उतना कंफ्यूजन किसी भी प्रोडक्ट को लेकर नहीं है। सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए तो कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कौन सा फिल्टर होना चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए सेफ है और कौन सी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सनस्क्रीन लगाने से कैंसर होता है या सनस्क्रीन नहीं लगाने से कैंसर होता है, सनस्क्रीन कैंसर करती है या सन की रेस कैंसर करती है, इतने सारे कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, साइंस एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर भी सनस्क्रीन रिलेटेड कंफ्यूजन्स वैसे के वैसे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ये सारे कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरह से ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। ऐसी सनस्क्रीन जो मैंने लगाई, जो क्लेम करती है बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है, ड्राई स्किन के लिए है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई, वो मैं आपसे आज के वीडियो में शेयर करूंगी। साथ में मुझे पर्सनली कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन्स लगती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बहुत कुछ आज की वीडियो में आपके लिए है। तो वीडियो को देखने से पहले, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रस फैमिली का जरूर से पार्ट बन जाइए और बेल आइकन ऑल पर जरूर हिट कर दीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति और आप सबका बहुत ही वार्म वेलकम है इस चैनल पर। बेसिकली सनस्क्रीन में दो ही तरह की सनस्क्रीन होती है, फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन बेसिकली जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जाती है, अंदर जाकर जब सन की रेस आती है तो उनको एब्जॉर्ब करती है, एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करती है, उसको हीट में कन्वर्ट करती है और वापस से बाहर निकाल देती है। इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए इनको कुछ केमिकल फिल्टर्स की जरूरत होती है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये सारे केमिकल फिल्टर्स होते हैं। इन केमिकल फिल्टर्स में से ही कुछ फिल्टर्स आपकी सनस्क्रीन में होते हैं, जो केमिकल सनस्क्रीन होती है, इनको यूज करके वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। बेसिकली ये सारे फिल्टर्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं और बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। तो जनरली कहने का मतलब ये है कि केमिकल सनस्क्रीन जो होती हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल सनस्क्रीन की। तो क्या फिजिकल सनस्क्रीन आपके लिए सेफ होती है? बेसिकली फिजिकल सनस्क्रीन यूज करती है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। बेसिकली FDA 25% ऑफ अप्रूवल देती है इन फिल्टर्स को यूज करने के लिए आपकी सनस्क्रीन में। अब क्या जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड आपके लिए हार्मफुल होती है? तो बेसिकली जो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं टू एन एक्सटेंट, तो कुछ टाइम के बाद में वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। लेकिन वो जब आप फूड के कोई चीज कंज्यूम करते हैं तब जब उसके थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। जो सनस्क्रीन्स होती हैं उनमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड को जिस तरह से यूज किया जाता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करती हैं, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन पेनिट्रेट नहीं करती है। तो टू एन एक्सटेंट केमिकल के कंपेरिजन में फिजिकल सनस्क्रीन आपके लिए सेफ होती है। अब जो थर्ड नंबर की सनस्क्रीन होती है वो होती है आयुर्वेदिक सनस्क्रीन। आयुर्वेदिक सनस्क्रीन कौन सा फिल्टर यूज करती है? वो यूज करती हैं यशद भस्म। बहुत ही आयुर्वेदिक सा नेम है यशद भस्म, बट बेसिकली यशद भस्म बनती कैसे है? जब जिंक एज अ मेटल को थ्रू प्योरिफिकेशन, थ्रू हीटिंग प्रोसेस, उसको भस्म में क्रिएट किया जाता है, पाउडरी फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, तब वो जिंक मेटल जिंक ऑक्साइड बनता है और उसको आयुर्वेदा में यशद भस्म बोला जाता है। जैसा कि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि फॉरेस्ट एसेंशियल भी अप्रूव करते हैं इस बात को। तो केमिकल के कंपैरिजन में फिजिकल सनस्क्रीन आपके लिए बेटर रहती हैं, तो मैं पर्सनली आपको फिजिकल सनस्क्रीन ही सजेस्ट करूंगी। तो आज के वीडियो में जो मेरी टॉप टू सनस्क्रीन हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, उनमें से जो सबसे पहली सनस्क्रीन है वो है जस्ट हब की टिंटेड सनस्क्रीन। बेसिकली ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा जस्ट हब का प्रमोटेड प्रोडक्ट है। जस्ट हब के प्रोडक्ट सेफ होते हैं और ये सनस्क्रीन भी आपके लिए सेफ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये सनस्क्रीन कहती है कि ये मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है, टिंटेड इफेक्ट देती है। टिंटेड मतलब आपको फाउंडेशन या कंसीलर जैसा थोड़ा सा इफेक्ट ये देती है, जिससे कि आपकी स्किन ब्राइट लगे, अच्छी लगे, एक कंसील्ड तरह से लगे। लेकिन जब मैंने इस सनस्क्रीन को यूज करा तो मुझे इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद में बहुत ही आर्टिफिशियल वाला जो मेकअप वाला लुक होता है, जो आपके फेस पर एक अलग टाइप का पैची पैची व्हाइट लुक होता है, वो मुझे दिखा। मुझे इसमें किसी भी तरह का स्किन रिलेटेड टिंट नहीं पसंद आया, ना ही समझ आया। तो इसका ओवरऑल फॉर्मुलेशन मुझे तो पर्सनली समझ नहीं आया, तो मैं आपको ये सनस्क्रीन सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब जो सेकंड नंबर की सनस्क्रीन है वो है आयोगा की सनस्क्रीन। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा प्रमोटेड ब्रांड है। अब इस सनस्क्रीन का क्या ड्रॉबैक है? ये सनस्क्रीन कहती है
ये मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है, जो कि पर्सनली मुझे नॉर्मल ड्राई या वेरी ड्राई पीपल के लिए बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ये आपकी स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं करती है। सेकेंडली ये कहती है कि ये केमिकल फ्री है, ब्रांड क्लेम करता है कि केमिकल फ्री है, बट इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन के लिए सेफ नहीं है। तो ये दोनों सनस्क्रीन पर्सनली मैं ट्राई कर चुकी हूं, तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आपको ये सनस्क्रीन खरीदने के लिए और मनी वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। अब बात करते हैं मेरी टॉप सनस्क्रीन की। तो जो सबसे पहले नंबर की सनस्क्रीन है वो है फॉरेस्ट एसेंशियल की सन फ्लूइड सनस्क्रीन। अगर हम ड्राई, वेरी ड्राई एजिंग स्किन, जिनके रिंकल्स और फाइन लाइन है, ऐसे लोगों के लिए सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। ये सनस्क्रीन ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ही डीप हाइड्रेटिंग है। बेसिकली अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगा रहे हैं, आप डायरेक्टली सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं, तो आपको आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड लगेगी, बहुत ही ज्यादा नरिश्ड लगेगी। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें इन्होंने कोकोनट वाटर को एज अ बेस यूज किया है। अगर आपने कभी भी कोकोनट खाया है तो उसका जो वाटर होता है उसका कभी भी निकाल करके लगाइए फेस पर, आप देखेंगे कि उसको लगाने के बाद में आपकी स्किन कितना ज्यादा हाइड्रेटेड हो गई है। कोकोनट वाटर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही अंदर के लेयर्स तक जाकर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ में ब्लेमिशेस को भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इस सनस्क्रीन में कोकोनट वाटर का इमल्शन है, साथ में इसमें टर्मरिक है जो कि एंटीबैक्टीरियल होती है। ये एसपीएफ 50 पीए प्लस प्लस तक आपको स्किन में प्रोटेक्शन देती है सन से। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड्स आपकी स्किन में जैसे मॉइस्चराइजर नहीं ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ब्लेंड हो जाती है। किसी भी तरह का ट्रेसेस में भी, माइन्यूट ट्रेसेस में भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, इतनी मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। अब जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, यह है अवीरा एसेंशियल की सनस्क्रीन मिस्ट। बेसिकली ये एक मिस्ट के फॉर्म में आती है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि सनस्क्रीन बेसिकली आपको प्रोटेक्ट कब करती है, जब आप इसको हर 2 से 3 घंटे बाद रिपीट करते हैं अगर आप घर के बाहर जाते हैं। और ये बहुत ही हैंडी है, मिस्ट के फॉर्म में आती है, अच्छा प्रोटेक्शन देती है, एसपीएफ 50 पीए प्लस प्लस फैक्टर के साथ आती है। तो बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही आसानी से आप कहीं पर भी हैं इसको शेक करिए और स्प्रे करिए, ऑल ओवर डैप करिए, आपके फेस को एक सन प्रोटेक्शन मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है। इनफैक्ट ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये एक रोज हाइड्रोजोल बेस्ड सनस्क्रीन है। इसमें रोज हाइड्रोजोल के साथ में डिफरेंट सीड ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है। बहुत ही हाइड्रेटिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, सन प्रोटेक्शन देता है, कंफर्टेबल है, हैंडी है। तो डेफिनेटली मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करूंगी। अब नेक्स्ट सनस्क्रीन एक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, जो कि आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों का काम करती है, क्योंकि ये शिया बटर और ग्लिसरीन बेस्ड सनस्क्रीन है। ये है कामा आयुर्वेदा की सन प्रोटेक्शन क्रीम। बेसिकली इसमें सन प्रोटेक्शन एसपीएफ 21 है, यूवीए और यूवीबी का प्रोटेक्शन देती है, और साथ में पीए प्लस प्लस फैक्टर है। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड को एज अ फिल्टर यूज किया है शिया बटर और ग्लिसरीन के बेस में। आपको दो प्रोडक्ट्स अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडोर्स हैं तो आपके लिए अच्छा प्रोटेक्शन है। अगर आप कार से कहीं जा रहे हैं, अगर आप किसी कैब में जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो भी आपको एक अच्छा सन प्रोटेक्शन मिलता है, अनलेस एंड अंटिल आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर डायरेक्ट सन की रेस हो, ऐसा कोई आप वर्क करते हैं। तो अच्छी क्रीम है, 2-in-1 पर्पस सॉल्व करती है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी। अब जो दूसरी सनस्क्रीन है वो भी एक कंप्लीटली नेचुरल बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, और यह है स्वरस से, यह स्वरस की सनस्क्रीन। बेसिकली ये सनस्क्रीन कंप्लीटली नेचुरल है, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। ये आपको सन प्रोटेक्शन देती है, एसपीएफ 21, यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन देती है, और साथ में पीए प्लस प्लस फैक्टर के साथ आती है। इसमें बहुत ही मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है। इसमें जैस्मिन है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लोव है जो आपकी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, और कार्डमम है जो आपकी स्किन में ब्लेमिशेस को हल्का करता है। तो एक डी टैन सनस्क्रीन भी है ये, तो बहुत ही डीप मॉइस्चराइजिंग करती है। बेसिकली जितनी भी ड्राई स्किन की सनस्क्रीन हैं, ये सारी सनस्क्रीन ये 2-in-1 पर्पस सॉल्व करती हैं। सबसे अच्छी चीज ड्राई स्किन सनस्क्रीन की यही होती है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स का काम एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाइड्रेटिंग और नरिशिंग होती है आपकी स्किन के लिए। तो स्वरस की सनस्क्रीन भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके लिए एक मॉइस्चराइजर का पर्पस भी सॉल्व करती है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अब इसके बाद जो सनस्क्रीन है वो मॉम्सको से है। बेसिकली मॉम्सको की सनस्क्रीन आपको एक हाई प्रोटेक्शन देती है,
25% जिंक ऑक्साइड इसमें यूज किया है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको एक ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो आपको अच्छा प्रोटेक्शन दे, तो मॉम्स को की सनस्क्रीन एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए नहीं है, बट नॉर्मल टूवर्ड्स ड्राई अगर आपकी स्किन है तो आपके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन इसके साथ एक ही ड्रॉबैक है छोटा सा, कि ये थोड़े से सेकंड्स लगाती है एब्जॉर्ब होने में। तो बेसिकली जो टाइटेनियम ऑक्साइड होती है उसकी क्वालिटी ही ये होती है कि वो आपकी स्किन में थोड़ी सी व्हाइट कास्ट छोड़ती है। तो चूज आपको करना है, अगर आपको केमिकल फिल्टर्स वाली सनस्क्रीन लेनी है जो बहुत ही प्यार से ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन में लेकिन उतने ही प्यार से आपकी स्किन को डैमेज करती है, और दूसरी होती है टाइटेनियम ऑक्साइड रिलेटेड सनस्क्रीन जो उससे बहुत ज्यादा कम आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है लेकिन थोड़ा सा सेकंड्स लगाती हैं एब्जॉर्ब होने में। तो डेफिनेटली इन सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर क्लिक करके खरीद सकते हैं। इन सब में आपको बहुत ज्यादा कभी कभी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स चेक करते रहिए, और जब आपको डिस्काउंट्स मिले तो उन प्रोडक्ट्स को आप खरीद लीजिए। सेल के टाइम में मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप अपने जो भी जितना भी प्रोडक्ट्स का स्टॉक है खरीद करके रखा करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, बेल आइकन ऑल पर जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ।